प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की फोरियर एनालिसिस, और पिछले लेक्चर्स में हमने फोरियर थ्योरम की स्टडी की थी। आज हम उसे अप्लाई करेंगे, यानी कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर थ्योरम या फिर फोरियर सीरीज। पहली एप्लीकेशन हम लेंगे एनालिसिस ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वेयर वेव यूजिंग फोरियर थ्योरम। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान, चार स्टेप्स में हम काम को करने वाले हैं। आप मान लीजिए कि अगर इन फोर स्टेप्स को आप देख लेंगे तो ये आर्टिकल आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे। ये जो रेक्टेंगुलर या जो स्क्वेयर वेव है इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। नंबर दो, जो सेकंड स्टेप है, उसमें हम अपनी जो फोरियर थ्योरम है जिसको हम यहाँ यूज करने वाले उसे लिख लेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं और जिसे हम पूरी तरह से प्रूव और एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तीसरे स्टेप में उसमें जो फोरियर कोफिशियंट्स है उनकी वैल्यूज निकालेंगे, और फिर फोर्थ स्टेप में हम ऐसा करेंगे कि उनकी वैल्यूज वहां रख करके और हमारी ये जो रेक्टेंगुलर वेव या स्क्वायर वेव की जो फॉर्मेशन है उसे एनालाइज करेंगे, उसको हम समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप हम ले रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर या फिर ये स्क्वायर वेव होती क्या है, इसको डिफाइन करें। आप कुछ ऐसे ही लिखेंगे कि ए रेक्टेंगुलर वेव इज डिफाइंड। पहला स्टेप है हमारा ये, इज डिफाइंड एज। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, मैं इसको ग्राफिकली पहले बना देता हूं। इधर हम लेते हैं और ये इधर y, या फिर इसको हम f ओमेगा t। अब देखिए ये क्या है कि ये जो y की वैल्यू है ये इस तरह से, ये हमारा जीरो और ये टी बाई टू टाइम हो गया है। उसके बाद यहां से आप देखेंगे कि ये प्लस ए वैल्यू है इसकी, कितनी है प्लस ए, ये वाई की वैल्यू है। और इधर देखिए, अब हम नीचे चलते हैं, जब ये टी बाई टू से और टी की तरफ हम जाते हैं तो ये वैल्यू जो हो जाती है ये जीरो से टी, ये वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये माइनस ए के बराबर है। यानी कि जब वाई की वैल्यू जो है प्लस ए होती है, अगर टी की वैल्यू जीरो से टी बाई टू होती है, और टी बाई टू से टी की वैल्यू इसकी माइनस ए है। और इसी तरीके से ये हमारी साइकिल रिपीट हो रही है। ये देखिए, अब हम आगे देख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहे, हालांकि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती रहेंगी और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव या स्क्वायर वेव, इसे हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू ओमेगा t एंड इट्स की वैल्यू है प्लस a। ये कब है, जब इस t की वैल्यू जो है, t की जो वैल्यू है वो जीरो और t बाई टू से बीच में लाई करती है, यानी जीरो से टी बाई टू के बीच में है, तो इस वाई की जो वैल्यू है वो प्लस ए है। और माइनस ए कब है, जब इस टी की जो वैल्यू है वो टी बाई टू से तो ज्यादा लेकिन कैपिटल टी इससे कम है, यानी जीरो टू टी बाई टू तक इसकी वैल्यू प्लस ए है और टी बाई टू से टी तक इसकी वैल्यू जो है वो माइनस ए है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फोरियर सीरीज में प्यारे बच्चों, ये जो ए जीरो है, ए एन है, और ये जो बी एन है, ये है हमारे फोरियर कोफिशिएंट। इन्हीं की वैल्यू अब हम यहां निकालने वाले हैं। और ये जो ओमेगा दिखाई दे रहा है डब्ल्यू, इसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन फंक्शन। ये बात नोट कर ली होगी, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, वेयर ए जीरो ए एन एंड बी एन आर डी फोरियर
कॉफी, जिनकी वैल्यू अभी हमें निकालनी, बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। और ये मैंने पहले ही बता दिया, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन फंक्शन, ये वो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके इन फूरियर कोफिशियंट्स की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर रख देंगे, और उससे फिर हमारी ये जो रेक्टेंगुलर वेव या फिर ये जो स्क्वेयर वेव है ये एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसकी फॉर्मेशन आप देखेंगे बहुत ही आसानी से। अभी हमारा स्टेप नंबर वन और स्टेप नंबर टू कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर थ्री में हम फूरियर कोफिशियंट्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसमें देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ए नोट, ये हमारा जो फोरियर कोफिशियंट है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। और इसके बारे में मैंने पहले बताइए किसके बराबर होता है, जरा आप बताओगे, ए जीरो इक्वल टू वन बाई टी जीरो टू टी वाई इंटू डी टी, ठीक है। आप साथ साथ में लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। अब देखिए, लेकिन आप देख रहे हैं ये जीरो टू टी के लिए है, लेकिन हमारे यहां पर इस y की वैल्यू चेंज हो रही है। ये देखिए, जीरो से t बाई टू तक के प्लस है और t बाई से t के लिए माइनस है, इसलिए हमें भी इसको दो हिस्सों में ही रिजोल्व करना पड़ेगा, ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो चलिए वो काम हम लोग कर लेते हैं, यानी कि a जीरो इज इक्वल टू वन बाई टी, इसको हम बाहर ले लेते हैं और यहां पर देखिए जीरो टू टी बाई टू, यहां पर a इंटू डी टी हो गया है। अब ये तो हुआ 0 टू t बाई टू के लिए, अब हम देख रहे हैं टी बाई टू से t के लिए, तो वहां पर कितना है माइनस ए, ये देखिए वहां पर इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ए, तो हम लिख लेते हैं t बाई टू टू टी, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ए, तो माइनस हमने बाहर ले लिया है a इंटू डी टी और ब्रेकेट को कर दिया बंद। अब आप देखिए इन दोनों में a कॉमन आ रही है तो वो हम बाहर ले लेते हैं, यानी इट इज इक्वल टू a बाई टी, ऐसे ले लिया हमने और इस तरीके से ये काम कर दिया है। और यहां से देखिए यहां क्या बचता है डी टी, सिर्फ बच रहा है जीरो टू टी बाई टू इंटू डी टी माइनस टी बाई टू टू टी इंटू डी टी, ये हो गया और ब्रेकेट को हमने कर दिया है इसको बंद। अब यहां पर देखने की बात है कि यहां से ए इंटू टी जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर जीरो आएगा और लिमिट्स क्या है जीरो टू टी बाई टू माइनस, यहां पर भी देखें क्योंकि कोई चीज नहीं है, जब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो टी ही आ जाता है और यहां पर लिमिट्स है टी बाई टू टू टी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहां से देखिए ये आ जाएगा ए बाई टी। लिमिट्स देखिए यहां पर पहले हम अपर लिमिट रखेंगे टी बाई टू माइनस जीरो, फिर यहां पर टी पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस साइन के साथ टी बाई टू लोअर लिमिट और इस तरह से लिखेंगे और फिर देखिए थोड़ा सा क्या हो जाता है यहाँ पर ए बाई टी और ब्रैकेट में यहाँ पर टी बाई टू बच रहा है, हम भी लिख देते हैं टी बाई टू और यहाँ से देखो टी में से टी बाई टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टी बाई टू बचेगा, माइनस साइन है तो माइनस टी बाई टू हो गया और इस तरह से ये कुल कितना आ गया टी बाई टू में से टी बाई टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो और इस तरीके से आपके पास आ गया है। यानी कि अब हमें यहां पता चल गया है कि जो a जीरो की जो वैल्यू है वो जीरो आ गई। हमें इन सभी कोफिशियंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम फोरियर कोफिशियंट कहते हैं इनकी वैल्यू निकालेंगे, यहां रख देंगे a जीरो जो फोरियर कोफिशियंट है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम ए एन की बात करेंगे फिर हम बी एन की बात करेंगे, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पार्ट का क्योंकि यहां पर अब हम जगह खाली करेंगे और उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ ए एन, प्यारे बच्चों अब हम हमारा जो ये फोरियर कोफिशियंट है ए एन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बी एन की वैल्यू निकालेंगे। चलिए ए एन क्या होता है, ए एन किसके बराबर होता है, ये पीछे हमने आपको बताया हुआ है टू बाई टी इंटू जीरो टू टी y cos n omega t into dt, ये हमारा फोरियर कोफिशियंट है an, जो पीछे हमने जब फोरियर थ्योरम बता रहे थे उसमें आपको समझा दिया था बता दिया था। अब हमें इसको अपनी रेक्टेंगुलर वेव की जो डेफिनेशन है उसको यूज करते हुए इसको थोड़ा सा
एक्सप्लेन करना है, कुछ मैथमेटिकल टेप्स हैं वो लगाने हैं, तो चलिए लगा देते हैं। हम देख रहे हैं ये 0 टू t है, लेकिन यहाँ पर ये y की वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, 0 से t बाई टू के लिए अलग है और t से t बाई टू से t के लिए अलग है, इसलिए हम इसे भी दो हिस्सों में बांट देते हैं, यानी कि 2 बाई टी तो हम बाहर ले लेते हैं, ये देखिए, और ये देखिए 0 टू t बाई टू, और यहाँ पर कितनी है, 0 से t बाई टू के लिए प्लस a है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू a रख लेते हैं, और बाकी सारी चीज है ही cos n ओमेगा t इंटू डी टी, और फिर प्लस प्लस हम रख रहे हैं, ये देखिए t बाई टू से t, t बाई टू से t के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस a बाई टू, तो हम वो भी लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये माइनस a है ना, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं माइनस, पर ये देखिए t बाई टू से t, और ये हो गया हमारा a cos n ओमेगा t इंटू डी टी, ब्रेकेट को कर देते हैं बस। अब आप देखिए यहाँ से a कॉन्स्टेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये a जो है हमने बाहर ले लिया है, ये देखिए एक स्टेप हमारा कम हो गया है, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो चलिए करते हैं इंटीग्रेट, 2a by t हमने ये ले लिया है बाहर, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो होगा साइन n ओमेगा t, क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो वो ले लिया हमने, और जो इसका t का कोफिशियंट है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, लिमिट्स वही है 0 से t बाई टू, ठीक ऐसे ही हम यहाँ भी इंटीग्रेट, ऐसे ही प्यारे बच्चों हम इस टर्म को भी इंटीग्रेट कर देते हैं, और ये हो जाएगा साइन n ओमेगा t डिवाइडेड बाई n ओमेगा, और लिमिट्स हैं t बाई टू टू t, और ब्रेकेट पर, ठीक है। यहां से इस n ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं, यानी n ओमेगा को हमने कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिया है, ठीक है, आप इस तरीके से इसे ले सकते हैं, एक स्टेप हमारा और बच गया। अब हम जानते हैं कि ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी, आप जानते ना, जैसे ओमेगा है ये 2 पाई म्यू होता है, और म्यू की वैल्यू 1 बाई टी होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के बराबर होती है, यानी ये 2 पाई बाई टी होता है, तो जहां जहां ओमेगा है वहां पर हम 2 पाई बाई टी लिख सकेंगे, चलिए कोई बात नहीं, लिखते हैं। हम इस नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, 2 ए बाई एन ओमेगा टी, ये तो है ही, ब्रेकेट बंद। अब ये देखिए जरा ध्यान से देखना, साइन एन 2 पाई बाई टी, ओमेगा के स्थान पर हमने 2 पाई बाई टी लिख दिया है, इंटू टी बाई टू, देखो इस टी के स्थान पर पहले हमने अपर लिमिट रख दी है, तो साइन एन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू हो गया है, और फिर इस टी के स्थान पर हम लिख रहे हैं 0, तो ये सारा 0 हो जाए, यानी कि साइन 0 हो गया है। अब हम यहां आते हैं, यहां पर भी देखिए माइनस, पहले इस अप हम क्या लिखेंगे, साइन, ये बाहर ध्यान रहे माइनस है, हम लिख रहे हैं एन 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये अपर लिमिट इस टी के स्थान पर, और ओमेगा के स्थान पर 2 पाई बाई टी लिख दिया है, और फिर माइनस के साथ प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए माइनस और इस टी के स्थान पर टी बाई टू रखना है, लेकिन ये बाहर माइनस है तो हमने यहाँ प्लस कर दिया है, ये देखिए साइन एन 2 पाई बाई टी, जहां ओमेगा था फिर से 2 पाई बाई टी रख दिया है, और यहाँ पर लिख दिया हमने टी बाई टू, और ब्रैकेट को कर दिया है बंद, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया है कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया है, चलिए लिखते जाते हैं साथ साथ, 2 ए बाई एन ओमेगा इंटू टी, ये देखिए, और यहां पर हम लिखेंगे साइन एन पाई, साइन एन पाई बाकी टर्म कैंसिल हो गई है, माइनस साइन जीरो लिख दिया है, माइनस साइन, ये देखिए इस टी से ये टी कैंसिल, और ये हो गया 2 एन पाई, और ये टी से टी और ये पाई के ये दो से दो भी कैंसिल हो गया है, और इस तरीके से प्लस साइन एन पाई, ये भी हमने कर लिया। इनकी वैल्यूज आप पहले से ही जानते हैं, 2 ए बाई एन ओमेगा टी हमने लिख दिया है, साइन एन पाई क्या होता है, जैसे साइन पाई की वैल्यू 180 ना, ये होती है जीरो, पाई 2 पाई 3 पाई सभी जीरो होती है, तो साइन एन पाई की वैल्यू जीरो हो चुकी है, साइन जीरो हम पहले जानते हैं जीरो ही है, साइन 2 एन पाई ये भी जीरो होती है, साइन एन पाई जीरो, और इस तरह से आप देख रहे हैं ये तो जीरो आ गया है, और जीरो से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आ गया है, यानी कि हमने देखा कि जो ए एन आ रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा फोरियर कोफिशियंट है, जो इस कोसाइन टर्म का कोफिशियंट है, उसे हम फोरियर कोफिशियंट कहते हैं, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई है, ए एन जीरो ही आ गई, हमने लिख दिया जीरो।
इसका सीधा मतलब है कि हमारे इस टर्म में जो कांस्टेंट टर्म है वो भी जीरो हो गई है, और ये जो कोस एन ओमेगा टी आप देख रहे हैं इसका जो ये कोफिशियंट है ये जीरो हो गया है, तो इसका मतलब है कि सारी के सारी जो कोस साइन जो टर्म्स आ रही हैं वो जीरो हो जाएंगे, ऑल टर्म्स हैविंग कोस बिकम्स जीरो, ऑल कोसाइन टर्म्स गेट वैनिशेस। तो ये हो गया, ये एक और हो गया हमारे पास। ठीक ऐसे ही प्यारे बच्चों अब हम बात कर लेते हैं हमारा ये जो फोरियर कोफिशियंट बच रहा है बी एन, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद इन सब की वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे और फिर हम अपनी ये जो रेक्टेंगुलर वेव या स्क्वायर वेव है इसकी फॉर्मेशन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आ रहा है तो तमाम जो आर्टिकल्स हैं पूरी फिजिक्स के सभी क्लासेस के वो हम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाने वाले हैं एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित। तो आप अपनी दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको हमारा ये जो फोरियर कोफिशिएंट है बीएन इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करें। डिटरमिनेशन ऑफ बीएन, तो प्यारे बच्चों अब हम हमारा ये जो फोरियर कोफिशिएंट है बीएन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान वही, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि बीएन किसके बराबर होता है तो देखिए मैं लिख देता हूं, जीरो टू टी वाई, यहां साइन की टर्म आती है, और जिन्होंने ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो पिछले लेक्चर जहां हमने फोरियर थ्योरम फोरियर सीरीज के बारे में बताया वो जरूर पढ़ लेना प्यारे बच्चों। तो देखिए अब यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो जीरो से टी है ये साइकिल, और इस वाई की वैल्यू जो है वेरी कर रही है, जीरो से टी बाई टू के लिए प्लस ए है और टी बाई टू से टी के लिए माइनस ए है, इसलिए इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बी एन इट इज इक्वल टू टू बाई टी, ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, जीरो टू टी बाई टू, और यहां पर इस वाई की वैल्यू प्लस ए है तो हम यहाँ ए लिख देते हैं, ए इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वाई की वैल्यू जब टी बाई टू से और टी है तो वहां पर ये माइनस ए है तो वहां पर माइनस ले लेते हैं हम भार, और ये लगा देते हैं टी बाई टू टू टी, और ये फिर वही साइन एन ओमेगा टी एन ओमेगा टी इंटू डी टी ये है, और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। प्यारे बच्चे यहां पर आप देख रहे हैं ए इसमें भी है और यहां पर भी है, इसलिए हम ए को कॉमन ले लेते हैं जिसे हमने पहले किया था, और ये टू ए वहां मिल गया है, और अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ये देखिए टू ए बाई टी ये तो है ही, ब्रेकेट भी लगा दी है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे आप जानते हैं साइन ओमेगा टी या साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है ना, ठीक वही बात मैं यहां लिख रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस कोस एन ओमेगा टी, और डिवाइड बाय जो टी का कोफिशियंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, और इसमें जो लिमिट है जीरो से टी बाई टू वो लिख दिया हमने, माइनस यहां पर भी वही बात करेंगे कि कोस, क्योंकि ये माइनस होगा तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन एन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस कोस ओमेगा टी, और ये माइनस बाहर है तो हमने प्लस कर दिया है, एन ओमेगा टी डिवाइड बाई एन ओमेगा, और इसकी भी लिमिट वही है जी टी बाई टू से लेकर के और ये टी तक जा रही है, और ब्रेकेट को हमने कर दिया बंद, यहां पर भी कोई बात नहीं है। अब देख रहे हैं कि ये जो एन ओमेगा टी है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, यानी कि टू ए बाई इंटू एन ओमेगा, ये देखिए, और मैं इसको यहां से कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमने इनको बाहर ले लिया है, कॉमन ले लिया है, लिमिट्स खोल देते हैं बस, और कुछ ज्यादा नहीं करना हमें। ये देखिए टू ए डिवाइड बाई एन ओमेगा इंटू टी ये तो है ही यहां पर, और ब्रेकेट लगा दिया हमने। अब यहां पर ओमेगा को मैंने पहले आपको बताया था वो टू पाई बाई टी होता है, यानी कि माइनस कोस एन टू पाई बाई टी, देखो एन और ओमेगा के स्थान पर क्या टू पाई बाई टी, और इस टी के स्थान पर हमने लिख दिया है टी बाई टी, और ये देखिए फिर माइनस आएगा, फिर टी के स्थान पर जीरो करेंगे, लेकिन माइनस और माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, तो यहां पर ये हो गया है कोस जीरो, और फिर यहां पर भी ठीक ऐसे ही हम इसको ओपन करेंगे, यहां प्लस है ही, और कोस एन ये देखिए एन, और ओमेगा के स्थान पर क्या लिखेंगे टू पाई बाई टी, और इस टी के स्थान पर अपर लिमिट रखती है, फिर माइनस साइन लगाएंगे और कोस जीरो, ये देखिए कोस जो है
एन तो है यहां पर और 2 पाई बाई टी भी हमने लिख दिया है और इस टी के स्थान पर लिखेंगे हम टी बाई टू, ब्रेकेट को कर देते हैं पान। थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर लीजिए इसको, जैसे 2 ए बाई एन ओमेगा टी है और इस तरीके से आप देखिए जो कैंसिल होता है, ये देखिए ये गया और ये 2 भी गया, जो चीज ज्यादा जाती है तो उतनी ही हमारे लिए सिंप्लीफाई होती जाती है एन पाए। अब यहां पर देखिए प्लस कोस जीरो, यहां पर भी ये टी से टी कैंसिल हो चुका है इसलिए हम लिख देते हैं कोस 2 पाई एन, और फिर ये देखिए यहां अगर हम ये कैंसिल तो यहां पर हो गया है माइनस कोस एन पाई और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। समझ गए होंगे आप, यहां पर एक बात सोचने की है, आप जानते हैं कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, बिल्कुल सही कह समझ रहे हैं, और कोस 2 पाई की देखो चाहे जीरो हो 360 पे घूम के आएंगे तो वहीं आ जाएंगे ना, तो कोस जीरो 2 पाई 4 पाई ये सब जो इवन मल्टीपल है यहां पर, तो ये भी 1 होगा, तो ये भी 1 और ये भी 1, और कोस एन पाई इसकी बात आपको बतानी पड़ेगी क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोस पाई होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस 1 होती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, देखिए 2a बाई एन ओमेगा टी, यहां से देखिए ये इसकी वैल्यू होती है माइनस 1 की पावर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, देखिए कोस एन पाई है ना, इसको ये माइनस 1 की पावर एन, देखो अगर एन की वैल्यू इवन है जैसे 2 कर दोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि माइनस 1 का जब हम करेंगे तो ये 1 हो जाएगी, और अगर ये ओड है तो इसकी वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। अब मुझे बताइए कोस 0 कितनी होती है 1, कोस 2 पाई एन कितना होगा 1, कोस पाई एन या एन पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1 की पावर एन, और एन ओड है या इवन है ये उस पर ये डिपेंड करता है। देखिए एन की वैल्यू मान लो इवन है तो 1 करेंगे इवन हो जाएगी, तो 2 करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और एन की वैल्यू अगर ओड है तो ये माइनस 1 आएगी, बस ये चीज है, यही वैल्यू जो मैंने आपको यहां बताई है यहां रख दीजिए। तो चलिए इसकी जगह तो ये रख दिया हमने प्लस 1, ये भी रख दिया है, ये भी प्लस 1 है और ये माइनस और माइनस 1 की पावर एन हो गई। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 हो गया और ये भी डबल टर्म है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं इस तरह से। देखिए कैसे करेंगे, मैं एक स्टेप ही ले लेता हूं, जैसे 4a n ओमेगा t, और ये देखिए ये कितना हो जाएगा क्योंकि इसको डबल डबल कर दिया ना हमने, 2 हो गया था 2 कॉमन ले लिया और वो यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और माइनस माइनस 1 की पावर n, ये हो। और प्यारे बच्चों अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इस bn की वैल्यू जो है ये 0 होगी इफ n इज इवन, समझ गए ना, जैसे अगर n इवन होगा तो ये क्या हो जाएगी प्लस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगी, और अगर ये ओड है तो माइनस 1 आएगी इसकी वैल्यू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो 2 हो जाएंगे। तो फिर देखिए हम इसको कितना लिखें, तो ये कितना हो जाएगा वो हमें देखने की बात है, वो हो जाएगा 4a, यहां से भी प्यारे बच्चों यहां से इस ओमेगा के स्थान पर भी अगर हम 2 पाई बाई टी लिख लें तो टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां हो जाएगा 2a है ना, और जब ये ओड होगा तो 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4a बाई एन पाई, और इफ n इज ओड। मेरी बात समझ गए होंगे आप कि ये जो हमारी bn की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि जो bn की जो वैल्यू है या तो ये 0 आएगी या 4a बाई एन पाई आएगी, 0 कब आएगी इफ n इज इवन और ये आएगी इफ n इज ओड, ये देखिए 4। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने देखा कि हमने हमारे जो फोरियर कोफिशिएंट्स थे a0 an और bn उनकी वैल्यू निकालनी है, ये हमारा स्टेप नंबर 3 चल रहा है। पहले स्टेप में हमने डेफिनेशन दी थी हमारी रेक्टेंगुलर वेव की, दूसरे में हमने फोरियर सीरीज लिखी थी, और तीसरे स्टेप में अब हम हमारे फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना चाहते थे जो हम निकाल चुके हैं। जिन बच्चों ने यहां तक पूरा लेक्चर देखा है उनको यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इनकी वैल्यू जो है हमारी इस फोरियर सीरीज में
रखने जा रहे हैं। तो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर हम आगे इसको समझते हैं। द कंप्लीट फोरियर सीरीज विद सॉल्यूशन जो है पूरा फोरियर सीरीज का क्या बन जाएगा, जो हमने फोरियर कोफिशियंट्स की वैल्यू निकाली है वो यहां रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम हमारे ये जो फोरियर कोफिशियंट्स हैं ए जीरो ए एन और बी एन की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू ए जीरो, ये जीरो है तो ये खत्म हो गया। ए एन कितना है, ये भी जीरो है, तो ये वाली जो टर्म हमारी ये भी जीरो हो जाएगी। बी एन की वैल्यू जीरो है अगर n की वैल्यू इवन है, बी एन की वैल्यू फोर ए बाई एन पाई है अगर n ओड है तो। तो चलिए जब इवन होगी जब तो बात ही खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम n की वैल्यू वन करेंगे, तो ये फोर ए बाई पाई इसको हम पहले बाहर ही ले लेते हैं, ऐसे 4a by pi ये तो ले लिया हमने बाहर, सभी टर्म में आएगा नहीं तो, इसलिए। अब देखिए जब b1 करेंगे, जब n की वैल्यू 1 है तो sin n omega t हो जाएगा, और b1 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 4a by 1 pi, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं, यानी कि sin omega t ये होगा, क्यों, क्योंकि n तो 1 हो गया है, ये sin omega t, और b1 करेंगे तो यहां पर 4a by pi, और 4a by pi तो हमने बाहर ले रखा है, और sin omega t क्योंकि n 1 है। अब दूसरी बात, जब n की वैल्यू 2 करेंगे तो even हो गया, even की वजह से ये bn की वैल्यू 0, तो वो टर्म भी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर n की वैल्यू 3 है, ये देखने की बात है बेटे, करते हैं। अब अगर 3 है तो यहां से b3 की वैल्यू कितनी आएगी, 4a by 3 pi, क्योंकि n की वैल्यू 3 हो गई है ना यहां पे, और 4a by pi तो हमने बाहर ले रखा है, लेकिन इसको लिख देते हैं 1 बाई 3 और साइन 3 ओमेगा टी। ये देखिए n की जगह हमने 3 कर दिया है, तो यहां पर भी 3 हो जाएगा, तो 3 ओमेगा टी हो जाएगा, और नीचे जो 4a बाई पाई है ये तो हमने बाहर ले रखा है कॉमन, और 1 बाई 3 था उसको हमने यहां लिख दिया है। नेक्स्ट टर्म जब हम n की जगह 4 करेंगे तो फिर इवन, वो टर्म फिर 0 हो गई है, और जब n की जगह 5 करेंगे तो देखिए b1 तो कितना हो जाएगा 4a बाई 5 पाई, तो 1 बाई 5 तो यहां लिख देते हैं, ये देखिए 1 बाई 5 तो, और 4a बाई पाई है वो हमने पहले से बाहर ले रखा है इसलिए कोई बात नहीं है, और साइन 5 ओमेगा टी ये हो गया है, एंड प्लस शो ओम। इस तरह से बाकी की टर्म्स भी आती चली जाएंगे मेरे बच्चों। इस तरह से हमारी जो कंप्लीट फोरियर सीरीज है या उसका सॉल्यूशन है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ द फोरियर कोएफिशिएंट्स हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर या ये जो स्क्वेयर वेव है ये, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है इसके आधार पर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ठीक है, इस तरह से आप हैं मेरे सामने, इसको बनाते चली जाइए साथ साथ, हम इधर ओमेगा टी ले रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई है, ये जीरो और इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं, मान लो हम जीरो से एक सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं कि इस पूरी की पूरी सीरीज में सिर्फ पहली टर्म है, यानी कि ये वाली टर्म है, सिंगल टर्म है, अगर एक ही टर्म है तो क्या आएगा। प्यारे बच्चों अब हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखते हैं। जब ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है। जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू है, यानी कि 90 है, यहां पर आप देख रहे हैं ये पाई बाई टू जब है तो कितनी हो जाएगी, साइन 90 कितना होता है, मैक्सिमम होता है, तो वो ये टर्म आ जाएगी, और साइन पाई के ऊपर फिर जीरो हो जाती है क्योंकि साइन 180 तो जीरो होता है ना, तो ये टर्म भी हो गई, और फिर 270 पर जाते हैं तो ये टर्म आ जाती है, यानी ये वाली वैल्यू इसके जस्ट अपोजिट, और साइन 2 पाई की वैल्यू जब करेंगे ये 2 पाई है तो वहां पर ये फिर जीरो, यानी कि हमारे पास जो टर्म आई है वो कुछ इस टाइप की आ गई। अगर सिंगल टर्म सिर्फ ये वाली टर्म होती तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती, लेकिन मान लो इसमें पहली और दूसरी टर्म होती तो ये सेकंड वाली टर्म होती तो क्या होता, ये देखिए यहां पर जो y की वैल्यू है उसका एम्पलीट्यूड जो है ये 1/3 हो जाएगा, और फिर क्यों सी 3 होगी, यानी कि 3 वेव बनेगी। यहां पर हम इसको इस तरीके से देखिए, मेरे साथ साथ बनाना जरूर,
ये देखिए थ्री वेव बन जाएंगी इनको यहां से हम करेंगे, यानी कि और जो एम्पलीट्यूड है वो घट करके वन थर्ड हो जाएगा लाइक इस तरह से, ये देखिए इससे वन थर्ड हो गया है लाइक ये कब है, ये तब है देखिए थ्री वेव वन टू और थ्री, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इतने ही टाइम में थ्री वेव बन रही तो थ्री टाइम हो गया, और एम्पलीट्यूड इसका घट करके वन थर्ड रह गया। अगर ये वाली टर्म होती तो ये वाली साइकिल मिलती हमें, लेकिन अगर ये थर्ड टर्म बीच में होती तो क्या होता, एम्पलीट्यूड घट करके वन फिफ्थ हो जाता, ये जो पहले इतना था ना वो घट करके उसका वन फिफ्थ और फ्रीक्वेंसी फाइव टाइम, यानी कि इस समय यहां पर फाइव ये जो वेव्स हैं फाइव जो साइकिल हैं वो बनेगी इस वाली टर्म के लिए। तो उसमें क्या करेंगे हम, देखिए फाइव के लिए क्या करेंगे, फाइव बनेंगे इसका मतलब ढाई यहां पर बनने वाली है, वन टू इस तरीके वन टू और ये देखिए आप और ये इस तरह से फाइव बनेंगी यहां पर, और इससे एम्पलीट्यूड घट करके वन फिफ्थ हो जाएगा इसका, तो ये क्या बनने वाली है देखिए एक दो तीन चार और पांच हो गई इस तरह से। इस तरह से और भी ये तीन वेव्स मिल रही हैं तो ये मिल गई हैं, और अगर और भी वेव्स को इस तरह से ही में फॉर्मेशन हम करते चले जाएं तो इस तरह से हमारी ये चीज बनती चलेगी, और ये वेव्स एक दूसरे पर सुपरइम्पोज हो रही हैं, सुपरइम्पोजिशन यहाँ हो रहा है। और अगर इसमें ये इनफाइनाइट टर्म्स हो जाए, ये तो एक दो नहीं है अप टू इन्फिनिटी है ये, अगर इसमें सारी इनफाइनाइट टर्म्स कर दें तो फिर ये वेव्स पता कैसे बनेगी, ये वेव्स कुछ इस तरह से बनेगी, मैं आपको बता सकता हूँ। ये कंप्लीट हमारी एक स्केयर एवरेज जो है लगभग इतनी, यानी ये कंप्लीट एक रेक्टेंगुलर वेव बन जाएगी, कब, जब यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जो है वो सुपरइम्पोज करेंगी, तो ये कंप्लीट हमारी ये प्लस ए है और ये इसकी वेव आप देख रहे हैं माइनस ए है, और इस तरह से हमारी रेक्टेंगुलर वेव या फिर स्क्वायर वेव की फॉर्मेशन हो गई है, यानी कि व्हेन इनफाइनाइट वेव सुपरइम्पोज्ड देन वी गेट ए परफेक्ट परफेक्ट रेक्टेंगुलर और स्केल। तो प्यारे बच्चों ये हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने अपनी फोरियर एनालिसिस की सहायता से फोरियर कोफिशिएंट्स को रखते हुए और अपनी रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर वेव को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर दिया है। प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपने इन फोर स्टेप्स को वन बाय वन करके देखा है स्टडी किया है तो ये जरूर आपको समझ में आया, अगर समझ में आया है तो, अगर नए हैं तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही यहाँ हमारे इन चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आगे भी इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जल्दी हम दूसरी एप्लीकेशन करेंगे और तमाम फिजिक्स आपको समझाने वाले हैं, आपको लगातार मोटिवेट रखने के लिए एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित कंप्लीट फिजिक्स आपको यहाँ मिलने वाली है इन दोनों ही चैनल्स पर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इन सभी के आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने खुद के नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के साथ जहां हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ द ट्रायंगुलर वेव बाय फोरियर थ्योरम। तो प्यारे बच्चों आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने किसी भी रूप में हिस्सा लिया है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।